प्रोडक्ट से भी बहुत सारे जवान जनरल की माया ऐसा कि फोर्थ जनरल था लंच के बाद फिर से निकल पड़ी हूँ। हेलो व्यूअर्स, मैं अभी मारीकेरी में जनरल थिमाया मेमोरियल म्यूज़ियम के सामने हूँ। और जनरल थिमाया हमारे देश में 1957 से 61 तक चीफ आर्मी के तौर पे सर्विस दिए थे। और ये उनके एंसेस्ट्रल हाउस सानी साइड है, उस हाउस रेनोवेट किया गया था एंड आफ्टर दैट इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं म्यूजियम के अंदर। और हम लोग देख रहे हैं सामने टैंक है, और जो 1970 वॉर के टाइम ये टैंक MiG-21 फाइटर जेट जिसको यूज़ किया गया था। सामने एक शहीद सौध भी है, तो आगे बढ़कर देखते हैं। हमारे देश की आज़ादी में बहुत सारे जवान यहाँ से भी शहीद हुए थे, तो उनके नाम यहाँ पे लिखा है सौधों में। तो उन लोगों के लिए, उस शहीदों के लिए मेरा सैल्यूट। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनरल थिमाया के जो रेसिडेंशियल हाउस जिसको अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है, तो उनके बारे में कुछ जान भी लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस म्यूज़ियम वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद इन फरवरी 2021। चलिए अंदर जा पाएंगे? अंदर चलो, आपका नाम और फोन नंबर बताइए। ओके, टिकट देवचनी। अच्छा, यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ता है। लिंदा ना, मैं हाँ देवचनी। अंदर फोटोग्राफी। जनरल थिमाया इंडिया का जो फोर्थ जनरल था, उसका घर है। बचपन से लेके वो जनरल तक यही पे ही रहे, इसी घर में था। अच्छा, वो जनरल बनने के बाद ही इसी घर में था। कौन सा ईयर? वो 60 में, 1960। अच्छा, और ये 65 में इसका डेथ हो जाता है यूरोप में। अच्छा, पीस पिक्चर लेके आया था यूएनओ में। अच्छा, जो साइप्रस और टर्की का जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको पीस में तो वहाँ पर लेते। अच्छा, और ये घर जो है जनरल थिमाया का माँ के लिए, उसका दादा, उसका पिताजी ने लिख कर दिया हुआ है। अच्छा, जनरल थिमाया का माँ चपुड़ी रचिता हुआ करके। अच्छा, माँ का, माँ से मा मतलब मिला हुआ इन, अच्छा, इसी घर से जनरल थिमाया। अच्छा, जनरल थिमाया उसी कोडेंडरा फैमिली से है जिससे भारत के पहले फील्ड मार्शल के करियप्पा भी थे। इनके परिवार कॉफ़ी का बिजनेस किया करते थे। तो ये हम लोग अंदर आ चुके हैं, और जनरल थिमाया द प्राइड ऑफ कोडागु। ये इस हाउस के लिविंग रूम है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, उसके कोर्टयार्ड में, और यहाँ पे बाथरूम भी है, किचन भी है, स्टडी रूम भी है। तो एक एक करके देखते हैं। जनरल थिमाया 1926 को ये भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप से ज्वाइन किए थे, और इनको कुमायूं रेजिमेंट में तैनात किया गया था। यहीं का है? अच्छा, यहीं पे उसका। जनरल थिमाया सिर्फ भारतीय सेना की एक नायक नहीं, वो पूरी दुनिया में एक मशहूर जनरल। ये पूरा फैमिली जो ट्री है यहाँ पे बना हुआ है, उनके जो बैज का एक रिप्लिका रखा हुआ है। यहाँ पे भी गन
रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल थीमाया भारत के एकलौते ऐसे जनरल थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक पूरी ब्रिगेड को कमांड किया था और उन्होंने बर्मा में ही युद्ध लड़े थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध में इनके टोकरियों ने जापानी सेना को बुरी तरह से खदेड़ रख दिया था और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर के से सम्मानित किया गया था उनको। आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई के असल नायक भी जनरल थीमाया को ही माना जाता है और इनके ही कारण पाकिस्तान कभी भी कारगिल ले और द्रास पर कब्जा नहीं कर पाते थे। तो एक इम्पोर्टेंट भूमिका उनका था। उनके किताब भी है यहाँ पे रखा हुआ। उनके बेडरूम है और अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। 1947 में आज़ादी के बाद जब पाकिस्तानी सेना ने कबलियों के साथ मेल मिलकर भारत पर हमला किए थे तब उसी समय भी कश्मीर में सभी ऑपरेशन की कमांड जनरल थीमाया ने ही संभाल के रखे थे और उसी टाइम जोजिला पास पर जो हमला हुआ था तो उसे संभालने के लिए जनरल थीमाया को ही दायित्व दिया गया था और 12,000 फीट की ऊंचाई से वो अपनी सेनाओं को लेकर गए थे और वहाँ से ही वो पहली बार भारतीय सेना इतनी ऊंचाई पर टैंक लेकर गए थे और ऊंची से ही हमले किया गया था। और जो अभी तो इसके बीच में एक मॉडर्न टेलीविजन भी है। जिला पास को मुक्त करवाया गया था। उन समय के रक्षा मंत्री थे बीके मेनन और उनके साथ हुआ एक इंसिडेंट बहुत ही फेमस है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, जो मैं शेयर करने जाने वाली थी उनके समय जो रक्षा मंत्री बीके मेनन के साथ उनकी नहीं बनती थी, थोड़ा अनबन होता था। कोई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बहुत बार तू मैं भी हुआ था। तो एक बार अभी मैं उनके डाइनिंग हॉल में हूँ और डाइनिंग हॉल भी अच्छे तरीके से सजा के रखा है जैसे कि उन्होंने इसी घर में अभी भी रहते हैं। तो मतभाव इतना ही बढ़ गया था कि जनरल थीमाया ने प्रधानमंत्री नेहरू के को एक पत्र लिखे थे और उन्होंने लिखा था कि रक्षा मंत्री और उनके बीच कोई एक ही रह पाएगा। तो उस टाइम पूरे देश भर के लोग थीमाया के साथ आकर तो ये इंसिडेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि इसी से ही जाना जाता है कि पूरे देश भर के लोग थीमाया को कितना चाहता था एज अ जनरल। तो देखते रहिए। ये एक सबमेरिन का मॉडल है जो यूथ में यूज़ किया गया था। तो ये नेवी से मिला है इस म्यूज़ियम में। This museum not only narrates the life story of General Thimaya, but is the home of the model of many types of artillery and military hardware from the Indian Armed Force. तो इस
व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी व्लॉग बना सकूँ जो आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।